अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ अलाइड हाई स्कूल कोट सुल्तान, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम काउंटडाउन बुक 4 पढ़ेंगे, जिसका हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। ओपन योर बुक पेज नंबर 8, एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक कंप्लीट करने हैं। कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल एडिशन का है, आपने इन्हें ऐड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 12,500 माइनस डैश इज इक्वल टू 5,600। अब देखें 12,500 में से क्या माइनस करें कि 5,600 आंसर आ जाए। तो ये चेक करने के लिए आप 12,500 में से इस आंसर को माइनस कर लें तो आपको वो सेकंड नंबर मिल जाएगा जो आपको यहाँ लिखना है। यानी आप 12,500 में से माइनस कर दें 5,600, तो जो आंसर आता है 15 में से 6 माइनस किया 9, 11 में से 5 माइनस किया 6, 6,900 वो हम यहाँ पर लिखते हैं। यानी 12,500 में से अगर 6,900 माइनस किया जाए तो आंसर 5,600 आता है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर ये है। थर्ड है 100 मोर देन 99,990 इक्वल्स टू। मोर देन का मतलब है ज़्यादा। इसमें ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा मज़ीद इससे ज़्यादा, यानी 99,990 में अगर 100 प्लस किया जाए तो फिर क्या आंसर आता है? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 99,990 और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 100। सो 0, 9, 9 एंड 1, 10, 1 कैरी, 9 एंड 1, 10, 9 एंड 1, 10। सो इट्स 100,090 इज आंसर। नेक्स्ट इज डैश मस्ट बी एडिड टू 100,050 टू मेक 102,550। अब देखें हम 100,050 में क्या ऐड करें कि 102,550 बन जाए। वैसे तो सिंपली भी नज़र आ रहा है कि 2,000 और 500 इन्होंने ऐड किया, लेकिन हम इन्हें सॉल्व करते हैं ताकि हम सॉल्यूशन के थ्रू बता सकें कि ये आंसर कैसे आता है। यानी हमें ये नंबर चाहिए 102,550 और हमारे पास ऑलरेडी जो है वो है 100,050। तो मज़ीद हमने कितने नंबर ऐड किए हैं, कौन से अमाउंट ऐड किए, तो हम देखते हैं 0, 0, 5, 2, 0 एंड 0। यानी हमने 2,500 ऐड किया इस अमाउंट में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हम लिखते हैं 2,500, यानी 2,500 मस्ट बी एडिड टू 100,050 टू मेक 102,550। ये फिर इसी तरह है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, 49,396 में से क्या माइनस किया जाए कि 10,086 आ जाए। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने इनके आगे ट्रू या फॉल्स लिखना है। सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है फर्स्ट। सेकंड में है मोर देन, यानी इसमें अगर हम 400 ऐड करें, 400 मोर देन, 400 ऐड करने के बाद क्या ये आंसर आता है? अगर आता है तो ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। इसी तरह नेक्स्ट अमाउंट में लिखा हुआ है 7,000 लेस देन। अगर मोर देन था इसका मतलब था ज़्यादा, मज़ीद ऐड करने के बाद। लेस देन का मतलब है कम, यानी माइनस करने के बाद क्या यही आंसर आता है या नहीं। आरिफ हैज़ 895,123 रुपीज़ एंड फाद हैज़ 896,012 रुपीज़। फहद हैज़ मोर मनी देन आसिफ, क्या फहद के पास आसिफ से ज़्यादा अमाउंट है? अब अगर हम कंपैरिजन करें तो आसिफ के पास 895,000 है और फहद के पास 896,000 है, तो फहद के पास ज़्यादा अमाउंट है। सो इट्स ट्रू, फहद के पास ज़्यादा अमाउंट है, तो यहाँ ट्रू लिखना है हमें। लास्ट है अनस्पेंट रुपीज़ 728,000 टू परचेज अ कार। सलमान बाट अ कार फॉर रुपीज़ 725,550। सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज। अब फिर कंपैरिजन करना है हमें अंस और सलमान ने जो अमाउंट स्पेंड किया उसकी कंपैरिजन के बाद हमें पता चलेगा कि किसने ज़्यादा स्पेंड किया। अब देखें अंस ने 728,000 स्पेंड किए और सलमान ने 725, तो अंस ने ज़्यादा अमाउंट खर्च किया। यहाँ इन्होंने लिखा है सलमान पेड मोर मनी, सो इट्स फॉल्स, ये गलत है क्योंकि अंस ने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो ठीक ऑप्शन है 4 में से उसे आपने सिलेक्ट करना है। द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर।
Largest four digit number is 99,999 and smallest four digit number is 1000. सम मालूम करना है यानी इन्हें ऐड करना है. सो आंसर इज 9, 9, 9, 9 and 1, 10, 9 and 1, 10. सो 100,999 ऑप्शन बी यानी सेकंड अमाउंट, सेकंड ऑप्शन ठीक है, तो इसे आपने सेलेक्ट करना है. बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, आपने इन्हें सॉल्व करना है. जो ठीक आंसर है उसे आपने सेलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर फोर इज अबाउट एडिशन, तो ये दोनों पेजेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे. पेज नंबर 8 एंड 9 सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं जो आपने सॉल्व.